झारखंड के रामगढ़ में आज एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जो शायद ही आपने इससे पहले कभी देखी होगी। आज समाज में प्रेम विवाह जैसी बातें आम हो चुकी है। हर बालिक, युवक और युवती को अपनी मर्जी से जीवन जीने का अधिकार कानून भी देता है, लेकिन रिश्ते में माँ बाप की मर्जी शामिल ना हो तो उनका गुस्सा भी बच्चों को झेलना पड़ता है। रामगढ़ जिले के लारी गांव से एक ऐसा ही वाक्या सामने आया है। यहां बुधवार की शाम शमशान घाट पर एक परिवार अपनी बेटी का पुतला बनाकर उसका जीते जी अंतिम संस्कार कर डाला। यदा संस्कार का वीडियो जब वायरल हुआ तो पूरे जिले में आग की तरह फैल गया। लारी बिस्लू टोला की एक लड़की अपने प्रेमी के साथ जीवन जीने का फैसला लिया, लेकिन उसका यह फैसला उसके परिवार वालों को नागवार गुजरा। उन्होंने अपनी बेटी से न सिर्फ रिश्ता तोड़ डाला बल्कि धर्म के अनुसार उसका अंतिम संस्कार भी करते हुए उसका परित्याग कर डाला, ताकि दोबारा कोई रिश्ता मन में भी ना रहे। लड़की 28 फरवरी की शाम घर से भाग गई थी। घर वालों ने उसकी खूब तलाशी की। इस मामले में उन लोगों ने रजरप्पा थाने में गुमशुदगी का मामला भी दर्ज कराया था। परिजनों ने मिलकर बोकारो जिले के दनिया से उक्त लड़की को बरामद किया। यहां पता चला कि वो लड़की अपनी मर्जी से प्रेमी के साथ शादी रचा ली है, साथ ही उसने अपने जिंदगी प्रेमी के साथ गुजारने का फैसला ले लिया। लड़की बालिग थी इसलिए कानूनन परिजन उसे रोक नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने समाज और परिवार में अपनी इज्जत को बनाए रखने के लिए इस प्रकार का कदम उठाया जो आपके सामने है। मेरी बेटी प्रेम प्रसंग के साथ साथ में शादी विवाह भी कर ली, जिसके चलते हम बहुत दुखी हैं। हम उनके पिताजी हुए, जो समाज में हमको ऐसा गंदा मतलब देखने में या अथी में आया कि हम उसको अपने तरफ से नेगलेक्ट कर रहे हैं, और आज हम उसके नाम पे मतलब है कि पुतला दहन भी कर दिए, और मतलब अब हम लोग का जो हिंदी रीति रिवाज है उसके हिसाब से उसका सारा मतलब क्रियाक्रम मतलब करने के लिए मतलब हम तैयार हैं और कर भी रहे हैं और करेंगे भी। ऐसे जाते काम क्रिया करे के लिए हाथ गोड़ धो के आए ली, अब दसकर्मा करे चाय ला लिये। काहे दसकर्मा किए उसका? काहे किए, वो उठा के ले गया एक लड़का। हम सोच रहे हैं कि जो अंत शादी कर उठा करण दिलक, दो दिन के पहले उठा के भाग गया वो लड़का। इसलिए हम वो काम करे चाय ला लिये कि जो आर हमार दरवाजा मत खुदे आओ। मेरी भतीजी थी और 28 तारीख को घर से भाग गई, और 28 तारीख को घर से भागने के बाद वो शादी भी कर ली। उसके बाद में हम लोग उसको जब पता चला कि दनिया थाना जगेसर में उसको पकड़ा गया है प्रशासन की ओर, तो उसको ला करके हम लोग उसको समझाने का प्रयास किए तो बहुत कोशिश किए, और कोशिश करने के बाद भी वो नहीं मानी, तो हम लोग रजरप्पा थाना को लिख करके दे दिए, और आज उसको अपने ज़िंदगी से निकाल दिए कि आज वो दास संस्कार उसके नाम से दास संस्कार भी कर दिए, उसका पुतला भी दहन किए और उसका दसकर्मा भी करेंगे, और आज के बाद में वो हम लोग का घर से उसका कोई ताल्लुकात नहीं रहेगा। जाहिर है लड़की बालिग है इसलिए परिजन उसके इस फैसले को बदल नहीं सकते, मगर परिजन और समाज के लोगों ने भी एक फैसला लिया उसे परित्याग करने का, और बुधवार को लड़की के पिता अपने रिश्तेदार और समाज के लोगों के साथ अपनी पुत्री के नाम पर एक पुतला बनाकर बकायदा 100 की अर्थी निकालकर शमशान घाट ले गए और धर्म के अनुसार विधि विधान पूर्वक मुखाग्नि देकर उसका परित्याग कर डाला। न्यूजीलैंड चैनल को YouTube में सब्सक्राइब करें,
और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। न्यूज़लेंस में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है